नई मुंबई में आज मुंबई बीजेपी के महामंत्री संजय उपाध्याय का जन्मदिन मनाया गया। उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय द्वारा नेरुल के पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता संजय उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के बीच केक काटा और सबकी शुभकामनाएं स्वीकार की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर जयाजी नाथ समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए झलकियां। नई मुंबई बीजेपी ने आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती मनाई। नेरुल के पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुंबई बीजेपी के महामंत्री और नई मुंबई प्रभारी संजय उपाध्याय ने पुष्प अर्पण कर दामोदर सावरकर को अभिवादन किया। इसी कार्यक्रम में बीजेपी नेता संजय उपाध्याय का जन्मदिन भी मनाया गया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच केक काटा और सबकी शुभकामनाएं स्वीकार की। बीजेपी नेता संजय उपाध्याय ने अपने जन्मदिन पर मिली शुभकामनाओं के प्रति आभार जताते हुए कहा, समर्थकों और कार्यकर्ताओं का यही प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो काम करने की प्रेरणा देती है। मेरे जन्मदिन पर जिस तरह से प्यार नई मुंबई के सभी पदाधिकारियों ने दिया है, मैं उनका ऋणी हूँ और यही मेरी संपत्ति है। यही काम, यही प्रेम मुझको काम करने की प्रेरणा देता है। आज जिला के इस कार्यालय में मेरा स्वागत हुआ। मैं जिला के अध्यक्ष रामचंद्र घरत जी, राजेश जी और सभी पदाधिकारियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। युवा मोर्चा में काम किया हूँ, इसलिए चिर युवा हूँ। हमेशा एक यूथ की फीलिंग है और चुनौती स्वीकार करने की ताकत है और जो भी जिम्मेदारियाँ है उसको अच्छे से निभाऊँ, यह कोशिश करता रहूँगा। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय द्वारा किया गया था, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, वरिष्ठ नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ, वरिष्ठ वकील एडवोकेट रमेश त्रिपाठी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले, युवती मोर्चा की जिलाध्यक्षा सुहासिनी नायडू और युवा नेता पांडुरंग आमले समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। वीर सावरकर को नमन करते हुए बीजेपी पदाधिकारियों ने भी संजय उपाध्याय को जन्मदिन की बधाइयां दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, आज वीर सावरकर जी हमारे हिंदुत्व की एक पहचान है। आज इस मौके पर उनके बारे में सभी लोग को जानकारी है, फिर भी एक हिंदुत्व के आज जो माहौल चल रहा है उनके बारे में जिन्हें थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है उनको और भी अपने वरिष्ठ लोगों ने जानकारी दी और हिंदुत्व का असली मकसद क्या है वो समझाए। और जैसे कि कल ही मैंने बोला था कि हमारे हिंदी भाषी नेता का प्रवास किसी न किसी से चलते रहेगा। कल आपने देखा कृपा शंकर सिंह जी आए थे, आज कोरोना काल के बाद संजय उपाध्याय जी आए। आने वाले दिनों में हमारे हिंदी भाषी और भी नेता जरूर आएंगे। आज पूरे उत्साह के इस दोपहर के समय भी पूरा माहौल गर्मामय था। इतने बड़ी तादाद में सभी लोग संजय उपाध्याय जी को शुभेच्छा दिए और पूरे जोश में है कि नेताजी आज इतने समय के बाद हम लोग के बीच में आए, तो सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। सबसे पहले तो आज सौभाग्य की बात है कि हमारे वीर सावरकर जी जो हिंदू संपूर्ण राष्ट्र की संकल्पना किए थे और जिसको साकार करने में हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा तत्पर है। संयोग की बात है कि आज वीर सावरकर जी और संजय उपाध्याय जी की जन्म दोनों दिन का जन्म दिवस एक ही दिन हमको मनाने का पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर आप वीर सावरकर जी का जो जिस तरह से वो ऊर्जावान थे, लड़ाई लड़ने में जिस तरह से दो टीमें थी, एक नरम दल और एक गरम दल, तो गरम दल का जो नेतृत्व करते थे उसी तरह आज वीर सावरकर जी की तरह हमारे संजय उपाध्याय जी हमारे पार्टी के यूथ के लिए यूथ कार्यकर्ता थे और यूथ के नेता थे। उन्होंने बहुत जोश होश से काम किया। नई मुंबई के प्रभारी बनने के बाद इनका नई मुंबई की सारी वार्ड संरचना में और नई मुंबई के यूथ और कार्यकर्ताओं को जोश लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इसी तरह वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरह पार्टी की और समाज की और देश की सेवा करते रहें। आज स्वातंत्र्यवीर विदा सावरकर यांची जयंती आहे आणि त्या जयंतीनिमित्त त्यांना भारतीय जनता पार्टी जिल्ह्याच्या वतीने या ठिकाणी पुष्पांजली वाहून विनम्र अभिवादन या ठिकाणी करण्यात आलेले आहे। त्यासोबतच आमचे नवी मुंबई जिल्ह्याचे प्रभारी आणि भाजप मुंबई प्रदेशाचे महामंत्री आदरणीय आमचे नेते संजयजी उपाध्याय यांचा सुद्धा वाढदिवस होता।
तो वाढदिवससुद्धा या ठिकाणी सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र खरत यांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहाने साजरा केलेला आहे। येणाऱ्या कालावधीमध्ये नवी मुंबईमध्ये ज्या निवडणुका होऊ घातल्या त्या पार्श्वभूमीवर आज या ठिकाणी सर्व कार्यकर्ते उत्साहाने दाखल झाले आणि आमच्या वरिष्ठ नेत्यांना शुभेच्छा दिल्या। त्यासोबतच आदरणीय स्वातंत्र्यवीर विजय सावरकर यांना सुद्धा विनम्र आदरांजली या ठिकाणी वाहण्यात आलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।